ये वसन हमसे रूठ गया सदा के लिए, भारत ने अपना रत्न खो दिया। लता जी नहीं रही, ये सरस्वती का सुर विराम हो गया। उम्र 92 साल हो चली थी, कोरोना और निमोनिया से 29 दिन की लंबी लड़ाई, लेकिन आखिरकार रविवार सुबह 8:15 बजे हम सबको, देश को, दुनिया को ना कह गई। इलाज मुंबई के बीच गेटी अस्पताल में चल रहा था। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा। पार्थिव देह को दोपहर 12 बजे प्रभुगुंज स्थित घर पर ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 5 बजे मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम संस्कार आज शाम शिवाजी पार्क के शमशान में किया जाएगा। लता मंगेशकर जी की कोरोना रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आई थी, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद यानी 10 जनवरी को सामने आई। बीच कैंडी में डॉक्टर प्रीतम समधानी की देखरेख में ही डॉक्टर्स की टीम लता जी का इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था, उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, लेकिन 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था। ऑक्सीजन निकाल दी गई थी लेकिन आईसीयू में ही रखा गया था, लेकिन रविवार को सुबह 8:12 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर प्रतीत ने बताया कि मल्टी ऑर्गन फेल हो जाने से उनकी मौत हो गई है। हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तंभ करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे आपको बताते हुए हमें दुख हो रहा है। सबकी चहेती और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया है। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वह लगातार संघर्ष ही कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर से लता दीदी को वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाया गया। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ, भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। आज लता मंगेशकर कोरोना से जंग हार कर दुनिया को विदा कह गई। आज उन्होंने मुंबई के बीच गेटी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। इस दौरान तिरंगा आधा झुका रहेगा। स्वर कोकिला दीदी और ताई जैसे नामों से लोकप्रिय लता जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया। फैंस उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया है। लता जी लगभग 2 साल से घर से नहीं निकली थी। वे कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के लिए संदेश देती थी। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वे अपने कमरे में ही ज्यादा समय गुजारती थी। उनके घर के एक स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट कराया गया था। 8 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, वो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1,000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया था और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डूनो वाई में था। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता जी को संगीत की शिक्षा दी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी की 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ के साथ मुंबई के पैडर रोड प्रभु कुंज में पहले फ्लोर पर रहती है। कई सालों से वे यहाँ ही रहती है। बहन आशा भोसले भी यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहती है। सालों तक प्रभा कुंज सोसाइटी की सुबह लता मंगेशकर के संगीत के रियाज से ही शुरू होती थी। खराब सेहत के कारण करीब 4 साल से उनका रियाज लगभग बंद सा ही था। नवंबर 2019 में भी लता जी को निमोनिया और सांस की तकलीफ के कारण बीच गेटी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था, जहां भी 28 दिन भर्ती थी। नवंबर 2019 के बाद से उनका घर से निकलना ही लगभग बंद हो चुका था। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान भी शामिल है। कम ही लोग जानते हैं कि लता जी गायिका के साथ संगीतकार भी थी। उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले बनी फिल्म लेकिन थी।
इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली वे एकमात्र गायिका रहे। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड भी मिले थे। अपनी मधुर आवाज से हजारों से ज्यादा फिल्मों में चार चांद लगाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर 36 भाषाओं में गाना गा चुके। पिछले 8 दशकों से गायन में अपनी जिंदगी समर्पित करने वाली लता जी ने महज 13 साल की उम्र में सिंगिंग कैरियर शुरू किया था। उनके कैरियर में ज्यादातर गाने सदाबहार रहे। लता जी के कैरियर की शुरुआत अभिनय से हुई थी, पर जैसे मानो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, मुंबई आकर उन्हें सिंगिंग में हाथ आजमाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने सुपरहिट गानों की लंबी लाइन लगा दी। म्यूजिक लवर्स के लिए वो सिर्फ गायिका ही नहीं बल्कि देवी थी। आज भी कई लोग ऐसे दिन की शुरुआत उनके गाने सुने बिना नहीं होती। अपनी गायकी के दम पर स्वर कोकिला ने न सिर्फ लोगों के दिलों में पहचान बनाई बल्कि कई बड़े अवार्ड जीतकर दुनिया भर में देश का नाम भी रोशन किया। संगीत की दुनिया की शान लता मंगेशकर को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1972, 1975 और 1990 में दिया गया था। इसके बाद 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। गायिका के दम पर लता जी 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार लेने में भी सफल रही। 1993 में लता जी की झोली में फिल्म केयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आया। इसके साथ ही 1990 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। लता जी यहीं पर नहीं रुकी और 2001 में वे भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुई। इन सारे अवार्ड्स के अलावा लता जी को राजीव गांधी पुरस्कार, NTR पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, जी सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लता जी के जाने से हर ओर सन्नाटा और मातम पसरा है। स्वर कोकिला ने लोगों पर अपनी आवाज का जादू ऐसे बिखेरा है कि उन्हें कभी चाहकर भी नहीं भुला जा सकता। वो कहीं भी रहे लेकिन उनके सदाबहार गाने हमेशा हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। लता मंगेशकर नाम ही काफी नहीं, कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे कई कहानियां और किस्से होते हैं। लता मंगेशकर की जिंदगी के भी कई अनकहे किस्से हैं। इन किस्से कहानियों से पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है। इन कठिनाइयों को पार करने के बाद ही वो दुनिया भर में अपनी पहचान बना पाई। लता जी संगीत की दुनिया में एक पूजनीय और सम्मानित गायिका थी, इसलिए उनको चाहने वाले उनकी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात जानने का हक रखते हैं। जन्म के समय उनका नाम हिमा था। बाद में उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने भावबंधन नाटक में एक फीमेल कैरेक्टर से प्रभावित होकर उनकी बेटी का नाम लता मंगेशकर रख दिया। लता मंगेशकर बचपन से ही घर की जिम्मेदार बेटी थी। संगीत और नाटकों की कला उन्हें विरासत में मिली। वो महज 5 साल की होगी जब उन्होंने अपने पिता दीनानाथ के साथ म्यूजिक प्ले में अभिनय करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने नानी से लोक गीत भी सीखे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने जीवन काल में लता दीदी पढ़ने के लिए सिर्फ एक दिन स्कूल गई। कहा गया है कि लता मंगेशकर स्कूल में बच्चों को गाना सिखाना चाहती थी, पर स्कूल टीचर को उनकी ये बात पसंद नहीं, उन्हें वो नहीं करने दिया गया जो वो करना चाहती थी, बस इसलिए लता जी ने स्कूल जाना बंद कर दिया। दूसरी ओर भी कहा जाता है कि लता मंगेशकर अपनी छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यही वजह है कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। 1942 में पिता दीनानाथ मंगेशकर की मौत के बाद लता मंगेशकर पर दुखों का पहाड़ टूटा। 13 साल की उम्र में जब बच्चे हंसते खेलते हैं तब लता जी पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी। बस यहीं से उन्होंने गायिका और अभिनय का कैरियर बनाना शुरू कर दिया। 1945 में लता मंगेशकर को मास्टर विनायक ने बड़ी माँ फिल्म में छोटा सा रोल ऑफर किया था। लता जी को गायकी की तरफ से ज्यादा रुचि थी, इसलिए उन्होंने उसी साल उस्ताद अमन अली खान द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। वो कहते हैं कि कई बार रिजेक्शन भी आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आता है। लता मंगेशकर की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उनकी आवाज को रिजेक्ट किया गया, पर लता के साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद था। 1949 में महान गायिका ने महल फिल्म के गीत आएगा आने वाला को अपनी आवाज दी। इस गाने को उन्होंने अपनी खूबसूरती से गाया कि सुनने वाला हर इंसान उनकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। लाइट से खुद को दूर रखने वाली लता ने परिवार के कारण शादी न करने का फैसला लिया। अपनी गायकी से लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर कई अवार्डों से सम्मानित की गई। अपने कैरियर में उन्होंने बेहतरीन गाने गाकर विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया। लता दीदी की जिंदगी किसी बायोपिक की मुकम्मल स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में कुछ भी नाटकीय के जाने की जरूरत नहीं, फिर भी मूवी सुपरहिट होने की गारंटी है। अपने घर की सबसे बड़ी बेटी, आवाज मानो कोयल सी भी मीठी, बच्ची अपने गुरु सम्मान पिता को 13 साल की उम्र में ही खो देती है और सारे परिवार का जिम्मा अब उस पर ही होता है। मजबूरी में लता को फिल्म इंडस्ट्रीज में आना पड़ता है, लेकिन कुछ ही सालों में लता की आवाज हर सफल फिल्म की जरूरत बन जाती है। शख्सियत उसूलों की इतनी पक्की कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर से झगड़ा तक कर लिया। सिर्फ लता मंगेशकर नाम सुनते ही कानों को सुगन मिलता है, जुबान पर शक्कर चढ़ जाती है और दिल उनके गानों के बोल पर धड़कने लगता है। आज लता जी हमारे सामने विरासत छोड़कर चली गई है।